अभी हम बात करेंगे क्लास डी का रेंज मैंने बताया था क्या कल? नहीं, सिर्फ बी तक पूरा क्लियर बता दिया था। अच्छा ठीक है। तो फिर क्लास डी के अगर हम बात करते हैं ना, तो क्लास डी में मैंने ये आपको बता दिया था नंबर ऑफ नेटवर्क बिट जो है आपका, ये कितने बिट आपका होता है, सॉरी इसमें कोई नेटवर्क बिट या फिर होस्ट बिट आपका नहीं होता है क्लास डी के एड्रेस में, ठीक है? क्योंकि जो नेटवर्क बिट और होस्ट बिट है ना, होस्ट बिट जहाँ पे है उसका मतलब वो आईपी को आप यूज कर सकते हो, होस्ट बिट जहाँ पे उस आईपी को आप डिवाइस पे असाइन कर सकते हो, और आपके डिवाइस में असाइन करने के लिए आपको सिर्फ ए बी और सी का क्लास का आईपी का दिया गया है, ठीक है? क्योंकि वो जो तीन क्लास मैंने बताया ना, ए बी और सी, ये तीन क्लास आपका यूनिकास्टिंग के लिए यूज होता है, जो कि आप अपने डिवाइस में यूज कर सकते हो। लेकिन क्लास डी का आईपी को इसलिए रखा गया था, क्लास डी का जितने भी सारा आईपी है ना, ये आपका मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। आप मल्टीकास्ट या फिर स्ट्रीमिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन कोई लान का नेटवर्क बनाने के लिए क्लास डी का आईपी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और क्लास ये आपका जो था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए था, तो उसको भी आप यूज नहीं कर सकते। इसलिए क्लास ए बी और सी में आपको ऑलरेडी फिक्स किए गए हैं कुछ, जैसे कुछ नेटवर्क पार्ट उसमें है, कुछ होस्ट पार्ट आपके है, ठीक है? लेकिन क्लास डी और ई में ऐसे कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसके रेंजेस के बारे में हम बात करेंगे तो क्लास डी का रेंजेस आपका ये आएगा, मैंने आपको कल शायद ये भी बताया था, फर्स्ट 4 बिट आपका रिजर्व है, इसके साथ, ठीक है, 110 के साथ रिजर्व है। इसका मतलब हम यहाँ पे रेंजेस के बारे में बात करेंगे तो हम फास्ट ऑक्टेट को ही देखेंगे, बाकी तीन ऑक्टेट जो भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई हमें लेना देना नहीं है, लेकिन पहले वाला ऑक्टेट जो है उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 8 बिट्स है, 8 बिट में से उसने बताया कि पहले 4 बिट आपका ऑलरेडी रिजर्व है या फिर ऑलरेडी फिक्स है, आप ऐसे बात कर सकते हो। तो फिर अगर 4 बिट आपके फिक्स है तो ये वैल्यू के साथ फिक्स है, मतलब इनमें ये जो 4 बिट मैंने वैल्यू आपको डिफाइन कर दी ना जो बाइनरी फॉर्मेट में, इसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी आपका फिक्स है। तो इसमें जब रेंजेस निकालने की जरूरत पड़ेगा ना, तो आपका मशीन जब चेक करेगा तो वो क्या करेगा, पहले 4 बिट आपके पास है तो आपका मशीन क्या करेगा, पहले 4 बिट को चेक करेगा, 4 बिट जब वो चेक करेगा पहले वाला बिट से वो चेक करता जाएगा, पहले वाला बिट में 1 मिल गया तो इसका मतलब उसे पता चला कि ये बी सी डी या फिर ई का हो सकता है। फिर वो सेकेंड बिट पे आ गया, सेकेंड बिट पे उसे पता चला कि वन है मतलब ये बी का नहीं है, सी डी या ई का हो सकता है। थर्ड बिट पे उसने आ गया, थर्ड बिट पे उसे पता चला कि ये जो बिट है ये वन है मतलब डी फिर डी या फिर ई का हो सकता है। फिर वो फोर्थ बिट में आएगा, फोर्थ बिट में उसे जब 0 मिल गया ना तो वहीं पे वो रुक जाएगा। फिर उसने देखा कि पहले 4 बिट का आपका जो वैल्यू है 1110 आपका आ रहा है, 1110 पहले 4 बिट का वैल्यू है, मतलब ये क्लास डी का ही आईपी है, उसे पता चल जाएगा आपका मशीन को। तो आप जब इसे मिनिमम और मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश करोगे ना, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपका 3 बिट फिक्स है आपके पास और बचा पहला ऑक्टेट से 4 बिट, तो पहला ऑक्टेट से 4 बिट बचा, मतलब आप अगर सारे बिट को 0 कर लेते हो ना तो इसका मतलब आपका लोएस्ट वैल्यू आ जाएगा। सारे बिट को अगर मैं 0 करता हूँ तो फिर मेरे पास वैल्यू जो है 128 प्लस 64 प्लस 32 यही आएगा, क्योंकि उसके बाद बाकी जितने भी वैल्यू है आपका वो सारे 0 है, तो 0 वाले तो यूज नहीं होंगे। तो इसका वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो इसका वैल्यू आपका आता है 224, ये आपका लोएस्ट रेंज है। अगर मैं हाईएस्ट रेंज की बात करता हूँ तो पहले तो 4 बिट आपका ऑलरेडी फिक्स है, बाकी सारों का अगर मैं 1111 कर देता हूँ तो फिर मेरे पास फास्ट ऑक्टेट का हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें मेरे पास क्या क्या वैल्यू मेरे को लेना पड़ेगा, 128 प्लस आपका 64 प्लस 32, उसके बाद वाला बिट मेरा यूज नहीं हो रहा इसलिए मैं उसे 0 ले रहा हूँ। उसके बाद आपका जो वैल्यू है ये है 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये वैल्यू, ये अगर आप काउंट करोगे तो ये काउंट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू है ना ये आपका आ जाएगा 240 शायद आपका 239 आएगा, ठीक है? सिर्फ आपका 16 माइनस रहेगा, 16 वाला पॉइंट यूज नहीं हो रहा, तो ये आपका 239 आएगा। तो क्लास बी का आपका जो रेंज है ना, सॉरी क्लास डी का जो आपका रेंज है, ये आपका 224 से लेके 239 तक के। सेम वही बात मैं बोलूंगा कि मशीन को अगर पहले 4 बिट में 1110 दिख रहा है तो इसका मतलब मशीन को पता है ये क्लास डी का है। अगर 224 से 239 के वैल्यू के अंदर कोई भी नंबर फास्ट ऑक्टेट में किसी आईपी या फिर किसी आईपी के नेटवर्क में है तो इसका मतलब आपको ये पता चलता है कि ये क्लास डी का रेंज है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं। बस आपका ये जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज निकालने का तरीका बस मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो बोल देते हो ना कि ये मिनिमम रेंज है ये मैक्सिमम रेंज है, वो कैसे बताया गया, ये ऑलरेडी प्री डिफाइन क्यों किया गया, कैसे कौन से चीज के ऊपर देख के ये प्री डिफाइन किया गया, ठीक है? अभी हम आएंगे क्लास ई के बारे में, वही सेम चीज क्लास ई।